हेलो एवरीवन, कैसे हैं? एसएससी फेज 8 को लेके दो तीन बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए। कल ये एसएससी की वेबसाइट पे पब्लिश हुआ था, थोड़ा लेट हो गया शेयर करने में। गाइज, ईस्टर्न रीजन की एक और जो पोस्ट कोड है 13420, इसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है। और बहुत अजीब सी चीज और अच्छी चीज देखने को मिली है कि पिछली जो पोस्ट थी उसका जो कट ऑफ था वो 98% था। मतलब लोगों ने 196 मार्क्स गेन किए थे तब जाके उनका सिलेक्शन हुआ था, क्योंकि एक दो पोस्ट थी। और आज की जो पोस्ट है आप देख सकते हैं कि 6 ओबीसी की पोस्ट थी और एक एसटी कैटेगरी की पोस्ट थी, जिसमें जो फाइनल मेरिट बनी है वो मैं आपको दिखाता हूँ, देख लीजिए। टोटल 7 लोग सिलेक्ट हुए हैं ओबीसी कैटेगरी में, आप देख सकते हैं 105, 101, 84, 83, 81, ये हैं आपके कट ऑफ मार्क्स। और एसटी कैटेगरी में 77 और एक ये है आपका ओबीसी कैटेगरी में। तो ये रहा है कट ऑफ, 200 में से है ये, आउट ऑफ 200 मार्क्स में से ये मार्क्स आए हैं, ठीक है। पहले भी मैंने बोला था कि एसएससी ने जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे हैं कि 33% आई थिंक यूआर के लिए, और कुछ 30% ऐसा कुछ जो है ओबीसी कैटेगरी के लिए ये मार्क्स रखें। अब ये इतना कट ऑफ क्यों गया है, मैंने आपसे बोला भी था कि जब एसएससी मतलब ये जब डॉक्यूमेंट का स्क्रूटनी होता है तो फाइनल ओके लिस्ट जो आती है, फाइनल जो एक्सेप्टेड लिस्ट होती है, उसमें कितने एलिजिबल कैंडिडेट मिल रहे हैं, और फिर उनके मार्क्स अगर इनकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से ज्यादा हैं तो डेफिनेटली और उनका सिलेक्शन श्योर है, मार्क्स कितने भी हो, क्योंकि उनको वैकेंसी फिल करनी है और मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स से तो इनके ज्यादा ही है। तो ये रीजन है, मैंने आपसे बार बार बोलता रहा हूं कि सिलेक्शन पोस्ट में कट ऑफ का प्रेडिक्शन थोड़ा मुश्किल होता है। या तो हमें इन 7 लोगों के मार्क्स मिल जाते, जब मैं सर्वे किया था तो किसी ने शेयर नहीं किए मार्क्स, तो वहां से ये प्रेडिक्शन हो सकता था कि भाई फाइनल एक्सेप्टेड लिस्ट आ गई है तो इतने लोग अभी इनके इतने मार्क्स हैं, तो डेफिनेटली आपकी पॉसिबिलिटी ये है, ठीक है। हालांकि फेज 9 में जब आएगा तब हम देखेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जरूर हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, सर्वे में जरूर भाग लिया करो, इससे तुम लोगों को ही बेनिफिट होगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशन पहले तो सभी लोगों का जिनको ये सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद दूसरी चीज ये है कि एमपीआर रीजन ने एक एडिशनल रिजल्ट पब्लिश किया था 10820, जिसके लिए ये कुछ क्वालिफिकेशन रखी थी, एक्सपीरियंस मांगा था, मेट्रिकुलेशन, ठीक है, जिसमें टेंटेटिव रिजेक्शन लिस्ट ये एडिशनल रिजल्ट था। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कैंडिडेट हैं यहाँ पर ये रिजेक्ट किए गए हैं डॉक्यूमेंट या एक्सपीरियंस की वजह से, ये सब इशू हुआ है। और मैं आपको दिखा देता हूं कि ये कितने लोग हैं, लगभग 79 लोग। अब इन्होंने ये बोला है कि इन कैंडिडेट में से अगर कोई ऐसा है जिसको लगता है कि कोई रिप्रेजेंटेशन डालना है तो वो 29 मई तक इस मेल आईडी पर रिप्रेजेंटेशन भेज सकता है, ठीक है। और ये चीजें कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, जो भी हेल्प होगी जरूर करूंगा। इसके बाद अगर मैं एनआर रीजन की बात करूं तो एनआर रीजन में आप देख सकते हैं लगभग 12 पोस्ट का डीबी हो चुका है, ठीक है। एक पोस्ट कोड है NR10120, ये वैकेंसी डिटेल दे रखी है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, इनका फाइनल एक्सेप्टेड लिस्ट आ चुका है। देख सकते हैं आप कितने कैंडिडेट इसमें जो है एलिजिबल हैं, 16। ये 19 मई का अपडेट है, इसी का रिजेक्शन लिस्ट भी दिया हुआ है कि कितने कैंडिडेट जो हैं रिजेक्ट हुए हैं, और रीजन आपको मेंशन किए गए हैं कि किस वजह से आपके जो है रिजेक्शन हुआ है। तो आपको देख लो जरा इसमें कितने लोग हैं, 162 कैंडिडेट हैं। अच्छा, इस बार एसएससी ने फिर से एक और चांस दिया है कि आप में से कोई भी रिएक्शन जिनका भी हुआ है, अगर आप लोगों का कुछ भी ग्रीवेंसेस है तो आप लोग इस मेल आईडी पर फिर से शेयर कर सकते हैं। ये 19 मई का ये अपडेट है, हालांकि ये फाइनल लिस्ट नहीं है, मुझे लगता है ये क्या है, इन लोगों ने मतलब जो पोस्ट रह गई थी आई थिंक उनका ये रिजल्ट दिया हुआ है, ठीक है। ऐसी एक पोस्ट और है 14220, जिसकी ओके लिस्ट ये दी है टेंटेटिव, आप देख सकते हैं, ये देख लीजिए जरा कितने कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं, 55। कल का ये अपडेट आया था और इसका रिजेक्शन लिस्ट जो है वो ये दिया हुआ है कि कितने कैंडिडेट आपके, ये 85 कैंडिडेट रिजेक्ट हुए हैं।
वही चीज है 10 दिन के अंदर, मतलब आप 29 मई तक, ठीक है 29 मई तक आप लोग रिप्रेजेंटेशन भेज सकते हैं इस मेल आईडी पर। तो ये कंसीडर करेंगे, अगर आपके पास कुछ चीज कोई डॉक्यूमेंट्स है और गलती से इनसे छूट गया है, ठीक है। और कोई डाउट हो आप लोगों का तो कमेंट करके जरूर बताइए। माफ कीजिए, ये फाइनल ओके लिस्ट नहीं है, ये आपकी स्क्रूटनी रिजल्ट है, इसके बाद अभी फाइनल लिस्ट आएगा। अब जिन पोस्ट का रिप्रेजेंटेशन का टाइम हो चुका है, तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट वीक में आप लोगों का जो रिप्रेजेंटेशन गया है उसका अपडेट आपको आ जाएगा। और जिनका फाइनल लिस्ट आया, ठीक है, जिनका फाइनल लिस्ट आया तो एसएससी अब टाइम नहीं लगाएगा, उसके 10 से 15 दिन के अंदर आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा, ठीक है। उसका शेड्यूल तो डेफिनेटली ये दे ही देंगे, तो जैसे कोई अपडेट आएगी मैं तुरंत आप लोग से शेयर कर दूंगा। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।